अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं, अगर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो दुनिया का किसी भी फील्ड हो, तो एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है आपका खुद पे विश्वास। पूरी दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी, लेकिन जब तक आप खुद पे विश्वास पैदा नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीफ क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आप दुनिया में किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और इसीलिए दोस्तों आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। ज्यादातर लोगों को सिर्फ इतना पता है कि उनका सेल्फ बिलीफ है या नहीं है, वो खुद पे विश्वास करते या नहीं करते, लेकिन सेल्फ बिलीफ में एक्चुअली क्या है ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सेल्फ बिलीफ क्या होता है और इसी के साथ किस प्रकार से आप अपने सेल्फ बिलीफ को आसमान की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं और अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ा के आप अपनी जिंदगी में हर उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आज आप सोच रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए सेल्फ बिलीफ यानी कि सेल्फ एस्टीम, इसको समझने के लिए हमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले आपको समझना है कि सेल्फ आइडियल क्या होता है, उसके बाद आपको सेल्फ इमेज समझनी है। ये दो शब्द आपको समझने हैं। देखिए सेल्फ आइडियल क्या होता है, आप अपनी जिंदगी में जिसके जैसा बनना चाहते हैं वो आपका सेल्फ आइडियल हो सकता है। मान लीजिए आप क्रिकेट सीख रहे हैं तो क्रिकेट में आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, आप विराट कोहली बनना चाहते हैं, आप एबी डिविलियर्स बनना चाहते हैं, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो आपके सेल्फ आइडियल है। अगर आप एक्टिंग के फील्ड में तो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन आपके सेल्फ आइडियल हो सकते हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो कोई पॉलिटिकल नेता जिसे आप कामयाब मानते हैं वो आपके सेल्फ आइडियल हो सकते हैं। तो एक होते आपके सेल्फ आइडियल जिनके जैसे आप बनना चाहते हैं, जो आपका भविष्य है, मतलब आप सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में 10 साल में मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, वो कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति अभी आपके सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आपके मन में इमेजेस है कि अगले 5 साल में मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मेरी ये लाइफस्टाइल होनी चाहिए, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, या फिर मेरा इतना मान सम्मान होना चाहिए, मेरा नॉलेज इतना होना चाहिए। तो ये सब कुछ मिला के जो व्यक्ति बनता है वो है आपका सेल्फ आइडियल। लेकिन एडवाइजेबल यह है कि अगर आप इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति को आइडियल मानेंगे तो आपके लिए उनको फॉलो करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना, उसका रास्ता तय करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एक चीज़ है आपके सेल्फ आइडियल जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़ है आपकी सेल्फ इमेज, ये है आपके सेल्फ आइडियल और ये है आपकी सेल्फ इमेज, यानी कि आज आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी खुद की इमेज अपने दिमाग में क्या है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अभी कैसे क्रिकेटर है या बड़े क्रिकेटर बन पाएंगे या नहीं। तो एक ही आपकी आज की इमेज यानी कि खुद की इमेज। अब देखिए ये है आपकी सेल्फ आइडियल और ये है आपकी सेल्फ इमेज, ये आप बनना चाहते हैं और ये आपको लगता है कि आज आप यहाँ पे है। अब ये जो गैप है ना, गैप, ये गैप डिसाइड करता है आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ बिलीफ। अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो आपका सेल्फ एस्टीम डाउन होगा। अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं लेकिन अभी तो आप बहुत पीछे हैं, आप खुद को कुछ नहीं मानेंगे, जैसे आपका आइडियल बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन आप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, खुद को मानेंगे नहीं, आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बनना चाहते हैं बड़ा आदमी लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। तो ये जो गैप है ना सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडियल का, ये गैप बहुत बड़ा गैप हो जाएगा और ये जितना बड़ा गैप होगा आपका सेल्फ बिलीफ उतना डाउन होता जाएगा, बिल्कुल डाउन होता जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सेल्फ आइडियल ये है और आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये भी ज़रूरी है कि आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए आपका सेल्फ आइडियल को आप कभी डाउन नहीं लाना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि वो आपके लेवल पे आके रुक जाए, लेकिन आपको उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तो अगर आपको लगता है कि 2020 में आप यहाँ पे थे, अब 2021 में थोड़े आगे बढ़े, आप आगे बढ़ रहे, हर महीने आगे बढ़ रहे, आपका एक ग्रोथ हो रहा है, आप अपने सेल्फ आइडियल की तरफ आगे बढ़ रहे, तो जैसे आगे बढ़ेंगे ना ये गैप खत्म हो जाएगा और जैसे ये गैप खत्म होता जाएगा आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता जाएगा। और इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल सही है, अगर आप अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाएंगे तो ये गैप ऑटोमेटिक खत्म होगा। अगर आप अपने प्रति विश्वास बढ़ाएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो सेल्फ इमेज है ये इंप्रूव होती जाएगी, फिर इंप्रूव होती जाएगी, फिर इंप्रूव होती जाएगी और आपकी खुद के बारे में जो राय है ये बदलती जाएगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलेगी। तो आपका जो गैप है ये गैप खत्म होता जाएगा और आप अपने सेल्फ आइडियल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन आपको लगेगा कि आप अपने सेल्फ आइडियल के पास पहुंच गए, वहां पे उस मुकाम पे पहुंच गए, आप खुद को कामयाब मानेंगे और कामयाबी हासिल करना है तो सबका मकसद है, आपका मेरा हम सबका मकसद है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इस गैप को खत्म कैसे करें, तो हम ऑपोजिट जाते हैं, यानी कि गैप खत्म होगा तो सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, लेकिन सेल्फ बिलीफ बढ़ा के गैप को कैसे खत्म किया जाए।
तो यहां पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आपका जो सेल्फ बिलीफ है वो एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज योर सेल्फ लाइक। आप खुद को पसंद कितना करते हैं, मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, योर सेल्फ बिलीफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सेल्फ लाइक, योर सेल्फ लव। हाउ यू लव योर सेल्फ, हाउ यू लाइक योर सेल्फ, आप खुद को कितना पसंद करते हैं। अगर आप खुद को नफरत करेंगे, आप खुद को पसंद नहीं करेंगे, तो आप खुद के प्रति विश्वास कभी पैदा नहीं कर पाएंगे। आपका सेल्फ बिलीफ हमेशा डाउन रहेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर गैप को खत्म करना है, सेल्फ बिलीफ को बढ़ाना है, और बिलीफ को बढ़ाने के लिए हमें सेल्फ लाइक को बढ़ाना है, हमें खुद को ज्यादा पसंद करना है। अब देखिए, आप आईने के सामने बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप इस दुनिया में किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद को झूठ नहीं बोल सकते। एक ही दुनिया में, एक इस पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसको आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, और वो है आप खुद। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप खुद को पसंद करना शुरू करें। सेल्फ लाइक को बढ़ाना पड़ेगा, सेल्फ लव को बढ़ाना पड़ेगा, इससे आपकी डेफिनेटली आप जो है सेल्फ बिलीफ को बढ़ा पाएंगे, और जैसे आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, आपकी सेल्फ इमेज पावरफुल होगी, पॉजिटिव होगी, और आप अपने सेल्फ आइडियल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, और आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ लाइक कैसे बढ़ाए, खुद को ज्यादा पसंद कैसे करें, खुद को प्यार कैसे करें, क्या किया जाए कि हम खुद के प्रति और भी पॉजिटिव हो जाएंगे और खुद को और ज्यादा पसंद करना शुरू कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुद के प्रति विश्वास बढ़ाना चाहते हैं या खुद को ज्यादा पसंद करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से ऊपर उठना पड़ेगा। अब दूसरों से ऊपर कैसे उठेंगे, अगर आप अपने जीवन का मकसद तय कर लेते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी का गोल सेट कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दे देते हैं, इफ यू बिकम अ पर्सन विथ अ गोल, इफ यू आर गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इंडिया के अंदर ऑलरेडी 25% कैटेगरी में आ चुके हैं। 25 भी मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा फिगर बोल गया, मैं कह सकता हूं कि 10 या 15% कैटेगरी में आ सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश के अंदर 85-90% लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत करने की कोई डायरेक्शन नहीं है, उनके जीवन में कोई बड़ा मकसद ही नहीं है। तो अगर आप अपने जीवन में कोई मकसद, कोई टारगेट सेट कर लेते हैं, तो आप एक फोकस्ड व्यक्ति बन जाएंगे और आपके मन में एक चीज होगी कि आई एम अ पर्सन विथ गोल, मेरे जीवन का एक मकसद है। और जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एक अपने प्रति प्राउड फील होगा और अपने प्रति एक रिस्पेक्ट क्रिएट होगी कि यस आई एम अ पर्सन विद गोल, मेरे जीवन का एक मकसद है। और यहां से आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है, सब कुछ बदलेगा, हर दिन बदलेगा, प्रतिदिन आप अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, और यही कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहला स्टेप मैं अगर आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप कहीं से भी शुरुआत करना चाहते हैं, तो वो है गोल सेटिंग। आपको अपनी जिंदगी में गोल सेट करना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सी किताबें हैं, बहुत से कोर्सेज भी है, आप बहुत से लोगों से सीख भी सकते हैं अपने जीवन के बारे में। देखिए, हम लोग जब घूमने जाते हैं दिवाली पे परिवार के साथ, जब घूमने जाते हैं कितनी प्लानिंग करते हैं, कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, कौन सी जगह पे जाएंगे, इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं कि वहाँ पे घूमने लायक चीज़ क्या है, खाने लायक चीज़ क्या है, वहाँ से शॉपिंग क्या करेंगे, फिर साथ में बच्चे तो उनके स्वेटर वगैरह लेके जाते हैं, दवाइयाँ लेके जाते हैं, कितना प्लानिंग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है पता है, जितना प्लानिंग हम दिवाली पे घूमने के लिए करते हैं, उसका 5% प्लानिंग भी हम जिंदगी के लिए नहीं करते कि हम जिंदगी में कहाँ पहुँचेंगे। तो ये मैं टॉपिक में डीप में जा रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब इतना है कि आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी का गोल सेट करना है। गोल सेट अगर आपने कर लिया, आप खुद को ज़्यादा पसंद करना शुरू करेंगे, आप खुद को पसंद करेंगे, खुद के ऊपर आपका विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने गोल सेट कर लिया है, तो दूसरा आपको काम करना है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा लीजिए। ये जो जिंदगी की जो गाड़ी है, उसके स्टेयरिंग व्हील पे बैठ जाइए और स्टेयरिंग व्हील को पकड़िए और अपनी जिंदगी को चलाना शुरू कीजिए। जिंदगी जीने के 2 तरीके, एक आप साइकिल पे बैठे हैं, पैदल मार रहे हैं, साइकिल चल रही है, हैंडल आपके हाथ में नहीं है, और आपने मान लिया कि जो भी किस्मत में लिखा है, जो मिलेगा मुझे मंजूर है, मतलब हैंडल आपने छोड़ा हुआ है, जिंदगी जहां पे, साइकिल जहां पे लेके जाएंगी वहां पे मैं जाऊंगा। और दूसरा तरीका है कि मैं इस साइकिल को लेके जाऊंगा, दिस इज माय साइकिल, दिस इज माय लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये जिंदगी 2025 में 26 में कहां पे होगी, मैं डिसाइड करूंगा कि आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद मुझे अपनी जिंदगी में कहां पे जाना है, और इसके साथ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं, यानी कि अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं।
किसी को ब्लेम करने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो भी हुआ आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल, और जो होगा उसके लिए भी आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, मैं ही जिम्मेदार होऊंगा। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, आप खुद को पसंद करना शुरू करते हैं, आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, आपकी एक मानसिक ऊर्जा पैदा होती है, आपका एक विकास होता है, आप लोगों से ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाते हैं, आप खुद को ज्यादा पसंद करना शुरू करते हैं और आपका खुद के ऊपर विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और यहाँ पे ना ये सवाल पूछना भी जरूरी है, खुद को सवाल पूछिए कि क्या मैंने अपनी जिंदगी की साइकिल का हैंडल पकड़ा हुआ है? अगर पकड़ा हुआ है इस हैंडल को, तो आप कमेंट में जाके लिखिए यस, अगर नहीं तो जाके लिखे नो। लेकिन आज से आप डिसीजन लीजिए कि ये जिंदगी मेरी है, इसे मैं अपने तरीके से लेके जाऊंगा। आई एम टेकिंग कंप्लीट चार्ज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का कंप्लीट चार्ज अपने हाथ में ले रहा हूं, इंचार्ज यहां पे मैं हूं, जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप सेल्फ बिलीफ क्रिएट नहीं कर सकते, तब तक आप कामयाबी की कोई शुरुआत ही नहीं कर सकते। एंड थर्ड थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप दूसरों को मदद कीजिए। देखिए मदद का मतलब यहां पे समझना है, जब आपको मैं हेल्प कर रहा हूं और बदले में कुछ चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट गिविंग, दिस इज ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग हो गई, ये व्यापार हो गया। मैंने एक बार आपको मदद की और जब मैं मदद मांगूंगा आपको मुझे मदद करनी चाहिए, दिस इज नॉट गिविंग, दिस इज नॉट हेल्प। आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन से अगर किसी को मदद करते, देन दिस इज गिविंग, ये देना हुआ। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को मदद करेंगे ना, आप सबसे ज्यादा खुद की नजरों में उठेंगे, सबसे ज्यादा। अब मदद से मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप रोड पे किसी को 10,000 दे दो, किसी को 20,000 दे दो। कोई रोड क्रॉस कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बच्चा है, आप उनकी मदद कीजिए। कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, आप अपनी जिंदगी के 2 मिनट निकालिए, पेपर पेन पे उसको सही से ड्रॉ करके दे दीजिए कि यहां से आपको यहां पे जाना है। अगर आप अनजान लोगों की मदद करेंगे, जैसे बस में आपने किसी की हेल्प की, ट्रेन में किसी की हेल्प की, आप एयरपोर्ट पे है, कोई बूढ़ी औरत है, सामान उठा नहीं पा रही, आपने उनको सामान उठाने में मदद की, आप उस व्यक्ति को मदद करें जो व्यक्ति आपको शायद जिंदगी में दूसरी बार कभी नहीं मिलने वाला, तो यहां पे प्योरली आप सेल्फ लाइक को बढ़ाएंगे, आप खुद को और ज्यादा पसंद करेंगे, और जितना आप खुद को पसंद करेंगे आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, आपकी खुद की इमेज पॉजिटिव होगी, और जितनी आपकी सेल्फ बिलीफ, आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव होगी, आप अपने सेल्फ आइडियल की तरफ आगे बढ़ेंगे, और ये दोनों का जो गैप है, सेल्फ आइडियल और सेल्फ इमेज, ये गैप खत्म हो जाएगा और आप अपनी जिंदगी में एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। वैसे बहुत से पॉइंट है, दुनिया भर के पॉइंट है, आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, आप कोई स्किल सीख सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में कोई महारत हासिल कर सकते हैं। आप सेल्स में है तो लोगों से बात करने की कला, लोगों को समझाने की कला, लोगों को मदद करने की भावना, इससे आपका सेल्फ इमेज बढ़ सकता है। ज्यादा ज्ञान हासिल करने से, दूसरों को मदद करने से डेफिनेटली आपका सेल्फ इमेज पॉजिटिव हो सकता है और आप खुद के ऊपर विश्वास बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट जो मुझे लगता है मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाके लिखे कि आपको 3 में से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आपने ये काम किया आपको खुद के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। और ये सबसे पहली चीज है, दुनिया आपके ऊपर विश्वास करे, खुद के ऊपर विश्वास नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, और खुद के ऊपर विश्वास है बड़े से बड़े पहाड़ को आप सर कर सकते हैं, बड़े से बड़ी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए फिर आप खुद बड़े हो जाते हैं, सारे के सारे टारगेट छोटे हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसे लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय यहाँ पे जरूर बताइए, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।